हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर आने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब प्रोग्राम और उसको हम सब रूटीन्स भी बोलते हैं। ये टॉपिक अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो या मास्टर इंजीनियरिंग कर रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलो हम पहले बात करते हैं सब प्रोग्राम क्या है। सब प्रोग्राम आर ऑल्सो कॉल्ड मिनी प्रोग्राम और सब रूटीन। सब प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, मिनी प्रोग्राम भी बोल सकते हैं और सब रूटीन्स भी बोलते हैं। दीज आर यूज्ड व्हेनेवर द रिपीटेशन ऑफ पार्ट प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड। सब प्रोग्राम यूज कब होता है, जब एक ही तरीके का ऑपरेशन आपको बार बार करने पड़ते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, सब प्रोग्राम यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे एक फिगर दिखाई हुई है दोस्तों, ये देखिए, इस प्लेट में मुझे 10 mm के 5 होल करने हैं, मुझे एक ही ऑपरेशन बार बार करना है, तब मैं प्रोग्रामिंग के अंदर क्या यूज करूंगा, सब प्रोग्राम यूज करूंगा। सब प्रोग्राम क्या है, इसमें मैं द सब प्रोग्राम आर स्टोर्ड एट द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम। मैं क्या करूंगा, एक ड्रिल करने के लिए मुझे जो प्रोग्राम चाहिए वो प्रोग्राम लिख के मैं हमारा जो मेन प्रोग्राम है उस मेन प्रोग्राम के एंड में मैं क्या कर दूंगा, स्टोर कर दूंगा। उसके बाद मुझे बार बार ये प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो एंड में जो मेन प्रोग्राम एक बार लिख के, जो सब प्रोग्राम मेन प्रोग्राम के अंदर जो एक बार लिख के मैंने स्टोर किया है, उसी प्रोग्राम को मैं कभी भी और नंबर ऑफ टाइम जितनी बार चाहूं उतनी बार मैं उसको क्या बुला सकता हूं, वहां पे मेन प्रोग्राम में कॉल करा सकता हूं। इससे क्या होगा, इससे आपका जो प्रोग्राम की जो लेंथ होगी वो प्रोग्रामिंग की लेंथ क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी, यानी आपका जो प्रोग्राम है वो शॉर्ट हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं ये सब प्रोग्राम वर्क कैसे करता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो येलो कलर में दिखाया हुआ है ये हमारा मेन प्रोग्राम है, यहाँ जो ब्लू कलर में दिखाया हुआ है वो मैंने जो रिपीटेशन ऑपरेशन है उसका मैंने यहाँ पे सब प्रोग्राम बनाया हुआ है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम को हम कुछ आईडी दे देते हैं, उसका कुछ नंबर दे देते हैं। मेन प्रोग्राम के अंदर कुछ पहले हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद दूसरा कुछ ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे वो ऑपरेशन करना है जो ऑपरेशन मैंने सब प्रोग्राम में किया हुआ है, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, ये मेन प्रोग्राम के अंदर वो सब प्रोग्राम को मुझे कॉल कराना है। तो कॉल कराने के लिए आपको क्या, कौन सा कोड यूज करना है, M98 जो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है M98 कॉल सब प्रोग्राम। जैसे ही आप M98 लिखोगे तो आपका मेन प्रोग्राम में से आपका मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, जो आपने प्रोग्राम के एंड में जो सब प्रोग्राम लिखा हुआ है वो रीड करना शुरू कर देगा। वो सब प्रोग्राम कौन से नंबर का सब प्रोग्राम यूज वो रीड करेगा, इसीलिए आपको सब प्रोग्राम का उसका जो आईडी है वो लिखना है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लिया है, सब प्रोग्राम का आईडी सपोज 1020 है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है सब प्रोग्राम का आईडी कौन सा है जो मुझे कॉल कराना है, वो है P1020। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने L1 लिखा हुआ है। L1 का मीनिंग क्या होगा, L1 का मीनिंग है मुझे ये सब प्रोग्राम कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, मुझे ये ऑपरेशन, मुझे ये प्रोग्राम मुझे 10 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, मैंने यहाँ पे L1 लिखा हुआ है। उसका मतलब होगा मुझे ये प्रोग्राम एक ही बार एग्जीक्यूट करना है। समझ में आ गया दोस्तों, मैंने ये प्रोग्राम कॉल करा दिया तो अब मेरा मशीन कंट्रोल यूनिट कहाँ चला जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट सीधा चला जाएगा सब प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद मेरा मशीन कंट्रोल यूनिट कैसे वर्क करेगा, जो सब प्रोग्राम के अंदर जो भी कोड लिखे हुए वो रीड करेगा। जैसे ही सब प्रोग्राम खत्म होगा तो मुझे क्या करना है, सब प्रोग्राम के एंड में मुझे वापिस मेन प्रोग्राम के अंदर आने के लिए मुझे सब प्रोग्राम के एंड में क्या लिखना है, M99 कोड लिखना है। कौन सा कोड, M99। उससे क्या होगा, आपका मशीन कंट्रोल यूनिट है वो सब प्रोग्राम रीड करना स्टॉप कर देगा और कहाँ आ जाएगा, वापिस आ जाएगा आपका जो मेन प्रोग्राम है उसमें आ जाएगा, और मेन प्रोग्राम में जो भी लिखा है
उसको रीड करना शुरू कर देगा। दोस्तों ऐसे सब प्रोग्राम वर्क करता है। यही थियरी, यही चार्ट आप एग्जाम के अंदर ड्रॉ करके लिख सकते हैं। ऐसे कई सारे टॉपिक की ट्रिक के लिए आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।